Hello everyone, I welcome you all in my channel Let's Talk Positive. Since second lockdown, this is my first trip. As you all see that today I visited Science City. The Science City is the most popular science museum of Kolkata. And it is popular because the architecture is so beautiful. It's truly an amazing place. And if you visit Kolkata, I highly recommend that you visit the Science City. As you can see the gorgeous view of Science Museum of Kolkata. It contains two different buildings and a gorgeous garden. It's just a wonderful place to visit. You come back 100 times and see something different every time. The architecture is very thoughtful. The Science Museum is stunningly beautiful. So keep watching this video till the end. You can also see the rope. It's so beautiful. Food court is always also here. Keep watching this video till the end and do comment and please like and subscribe.
जो पढ़ते बस और बीच ग्लूम बदल गए, घूम मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक स्टेगा जैसे उभरे चर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसरी जैसे स्तंभाई डायमेट्रोन प्रकट हुए जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसरी की तरह ही एक अन्य स्तनपाई प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। कुछ चार पैरों से चलते थे तो सियर फ्रांसिस दो पैर वाले डायनासोर तेईस मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जीती है और इनका वजन 75 टन था। सरसरप आकाश और सागर में भी छा गए थे। सबसे प्राचीन सरसरप यूनिमोनोडोन हवा में उड़े थे। इसी में प्रथम पौधों से हरी थी। हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लाभ इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस लोकल जिससे वो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करता था। सीज में रह रही है जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोइंदा गैंग रोइंदा स्तनपाई और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। कुष्ठ गुंबद आकार के खोल दूध वाले पार्क और विशाल सिंह वाले जंगल में शांत से गुजर गए। सामने के दांत से मांस को चीरने और मृत्यु के कारण यह समय के साथ वही दानव आकार के ही इन सब जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपाई प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी।